नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव, आपके साथ मैं हूं धीरज। तीन तलाक को लेकर सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही है तो कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही है। कुछ महिलाएं इसका विरोध कर रही है तो कुछ महिलाएं इसका समर्थन कर रही हैं। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात कर ली जाए तो मुस्लिमों में भी कुछ लोग इस कानून को मान रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने अपने एक सभा में को संबोधित करते उन्होंने साफ कहा है कि तीन तलाक एक ऐसी प्रथा थी जिससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों पर उनके मर्द उन्हें तलाक दे बैठते थे और तलाक का सिलसिला इतना बढ़ते चला जा रहा था कि वहाँ से अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं की बात कर ली जाए तो वो काफ़ी प्रताड़ित हो रही थी। हर छोटी छोटी सी बात पर उन्हें तलाक दे दिया जाता था, कोई फ़ोन पर दे बैठते थे तो कोई पत्र लिख कर दे बैठते थे। इन सब प्रथा को हटाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की है और आज मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक हटने की खुशी में उनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। आप खुद सुने रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा तीन तलाक को लेकर। जैसा कि आपने देखा, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है तीन तलाक हटने के बाद मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। अब काफ़ी ऐसे जो केसेज जाते थे तीन तलाक को लेकर, उसमें काफ़ी कमी भी आई है और महिलाओं के अंदर एक विश्वास, एक जिज्ञासा जागी है नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी के कार्यों से वो काफ़ी खुश हैं। उनका साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो किसी ने सोचा तक भी नहीं था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।